बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ अच्छा हमज़ा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेब फाइल को पीएनजी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेब फाइल आ गई है। वेब फाइल को अगर हम सेव इमेज एज़ में करते हैं तो ये वेब फाइल में डाउनलोड हो रही है। अगर हमने इसे पीएनजी में कन्वर्ट करना तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये अकाउंट में ये आपको 3 आइकन शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन लिखा हुआ है, एक्सटेंशन पर जाके आपने मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। और मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन क्रोम वेब स्टोर पे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे सेव इमेजेस। सेव इमेजेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन आ रही है, इसको आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। जैसे ही ऐड एक्सटेंशन कर देंगे तो ये आपके पास आगे नोटिफिकेशन के क्रोम जो है एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो गई है। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेव इमेज एज टाइप। यहाँ से जेपीजी है, पीएनजी है और वेब है, तो इनमें से जिसमें अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जेपीजी में कन्वर्ट डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड्स में जेपीजी में आ गई है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास वेब में फाइल थी, अब जेपीजी में आ गई है। तो ये इसका सिंपल सा मेथड था, होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकअल्लाह।